हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। और मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। CSIR के पेपर होने में अभी लगभग एक हफ्ते बचे हुए हैं, और इन एक हफ्ते में जैसा कि मैंने आपको बोला था कि सभी सारी चीज़ें जो है, एक जून को मैंने एक पोस्ट किया था, उसमें मैंने आपको बोला था कि आप सारी चीज़ें जल्दी से लगभग 10 जून तक ख़त्म कर लीजिए। तो होप कि आप सारे पार्ट से लगभग अपने अच्छे से तैयार कर लिया होगा सारे पार्ट्स को, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले जो चीज़ बोली थी अभी तक का, जब से आप अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं पिछले दिसंबर के बाद से, तो मैंने वहाँ पे कई सारे वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने बोला था कि सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ होती है वो आपको सारा सिलेबस जो है आप पढ़ लीजिए। ये जो वीडियो है, ये ओल्ड जो है जिनका इस बार पेपर है, जो हम पिछले 6-7 महीने से प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो है। प्लस जो न्यू CSIR लाइफ साइंस के लिए स्टूडेंट हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। कि मैंने बोला था पिछले 6 महीने के अंदर कि आपका सारा कुछ पढ़े होना चाहिए, ठीक है। सबसे ज़रूरी बात क्या होती है कि आप सारे सिलेबस को पहले कवर करें। तो उसके लिए आपको पता है कि जर्नल जो है सबसे ज़्यादा कट ऑफ आता है, फिर OBC का आता है, फिर SC ST और फिर PH कैंडिडेट्स के लिए। तो सबसे ज़्यादा टफ जो चीज़ होती है वो जर्नल के लिए है। तो CSIR का सिलेबस मैंने बोला था फॉलो करने को उस हिसाब से, ठीक है। तो अभी आप जिस स्टेज पर पहुँचे हुए हैं, बहुत से लड़के लड़कियाँ होंगे जिन्होंने सारा कुछ कम्प्लीट कर लिया है, बहुत से लोग हैं जिनका बहुत सारा यूनिट लगभग अप्रॉक्स खत्म हो चुका है, फिर भी उन्होंने 2-3 यूनिट को नहीं कवर किया है। और ऐसे भी आप में से बहुत लोग होंगे जिन्होंने केवल आधा सिलेबस कवर किया है। तो मुश्किल यहाँ पे क्या होने वाली है, जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनको ज़्यादा यहाँ पे मार्क्स गेन करना है, तो उन्हें जो है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इसीलिए उनको सबसे ज़्यादा यूनिट पढ़े होना चाहिए। तो अगर आप PH कैटेगरी में हैं, SC ST कैटेगरी में हैं, तो अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है तो उससे काम चल सकता है। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी हैं, अगर आपने ये सारी चीज़ें अभी तक नहीं पढ़ पाई है, तो पेपर में आपको मुश्किल होने वाली है, ठीक है। तो वो आप अपने हिसाब से कैटेगराइज कर लीजिएगा। अगर आप PH हैं, SC ST हैं, तो जितने मार्क्स आपको चाहिए क्या उस हिसाब से, कि मैंने क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन और हर यूनिट का कितना वैल्यू होता है मार्क्स के हिसाब से, ये मैंने आपको सारा कुछ प्रीवियस वीडियोस में बता दिया था। तो उस हिसाब से आपने अभी तक जितना पढ़े, क्योंकि अभी आप नई चीज़ें नहीं पढ़ सकते हैं, जो भी पढ़ना था आपका हो चुका। और अगर आप अब जो है नई चीज़ें पढ़ते हैं, तो आप श्योरली जो है आप एग्ज़ाम में आप कन्फ्यूज़ होगा, और आपने जो अभी रिसेंट में नए चीज़ें पढ़े होंगे उसी पर आपका दिमाग घूमेगा, और प्रीवियस चीज़ें जो है आपको नहीं याद आने वाली हैं। तो SC ST के लिए जो है वो कम पढ़े हैं अगर, तो उससे भी काम चल जाएगा। और OBC जनरल जो है उनके लिए सारा यूनिट जो है पढ़े होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उन्हें ज़्यादा स्कोर करना है। सेकंड चीज़, चलिए जो भी बात हुई अभी तक, जो भी आपने पढ़ा लिखा वो भी ठीक है, हो चुका। आप किस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपने जितना भी पढ़ा हो, तो उसी हिसाब से आपको पता है कि हर यूनिट से 5 क्वेश्चन आने वाले हैं और उसका मार्क्स वैल्यू कितना है, ठीक है। तो अगर आपने उससे कम पढ़ा, तो श्योरली आपको प्रॉब्लम होने ही वाली है, उसमें कुछ कहने की बात नहीं है, और उसका कोई ट्रिक भी नहीं है। सेकेंड थिंग में आप आते हैं, मैंने कहा था आपको कि आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले सभी चीज़ें पढ़ी होनी चाहिए, तब सेकेंड थिंग आती है कि आपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है कि नहीं किया है। तो अगर आपने ऐसा किया है कि आपने क्वेश्चन सॉल्व किया और पढ़ा कम है, फिर भी आपको प्रॉब्लम होने ही वाली है एग्जाम में, ठीक है। तो पढ़ने वाला काम पहले खत्म होना चाहिए, सेकेंड चीज़ आती है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना। अगर आपने सारा कुछ पढ़ा है और क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं किया है, तब भी फिर भी आपके पास बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन अगर आपने इसका उल्टा किया है कि आपने क्वेश्चन पेपर सारा सॉल्व कर लिया है पर पढ़ा नहीं है, और श्योरली आपको प्रॉब्लम होने वाली है क्वेश्चन पेपर में। तो पहला चीज़ था सारी चीज़ें पढ़ी होनी चाहिए, सेकंड चीज़ था कि क्वेश्चन पेपर सॉल्व होना चाहिए। मैंने रिकमेंड किया था आपको कि 2016 से लेके 2018 के जो क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व कीजिए हर यूनिट के, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होने वाला है। और जिन्होंने सब कुछ पढ़ा है, ठीक है, सारा सिलेबस पढ़ा है, और जिन्होंने सारा क्वेश्चन पेपर भी अब तक लगभग ख़त्म होने पर आ चुके हैं, कि उनका सारा 2016 से लेकर 2018 तक
उन्होंने सारा क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर लिया है, उनके लिए बहुत फायदा होने वाला है एग्जाम में, ठीक है। अब इतना अगर आपने कर लिया हो तो जो दो तीन दिन बचे हैं उसमें एक चीज और, मैंने एक वीडियो बनाया था कि आपने चाहे सारा कुछ पढ़ लिया हो, चाहे आपने सारा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया हो 2016 से 2018 तक, थर्ड चीज जो इम्पोर्टेंट है आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं एग्जाम में, ठीक है। सबके मन में क्वेश्चन रहता है कि मुझे ए सेक्शन से स्टार्ट करूँ, बी से स्टार्ट करूँ, सी से स्टार्ट करूँ, इसके लिए भी मैंने वीडियोस बनाए हैं और इस बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा। उस वीडियोस के लिंक मैं यहाँ पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ नीचे, आप उसको श्योरली जाइए करिए। अगर आपने पढ़ लिया है सारा कुछ, पहला तो रीड एवरीथिंग कर, सेकेंड थिंग सोल्यूशन आप सॉल्व करना था क्वेश्चन पेपर आपको 2016 से 2018, उसके बाद आपको क्या करना है, पेपर कैसे सॉल्व करना है, कैसे ऑप्शन कौन से सेक्शन को चूज करना है, ये भी मैंने बताया है। ये भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक्स है उनके, वहां पे जाइए देखिए, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा कि आपने सारी चीजें पढ़ी है, क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व किया है, तो वो वीडियोज आपको हेल्प करेंगी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते समय एग्जाम में, ठीक है। और आप कॉन्फिडेंट रहेंगे कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ये तीन चीजें ही जो था कि आप सारा कुछ पढ़ा होना चाहिए आपको अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से, अगर आप जर्नल हैं तो आपको सारा जरूर पढ़े होना चाहिए क्योंकि आपको ज्यादा मार्क्स गेन करने हैं, ठीक है। और एस सी एस टी ओ बी सी के जो भी आप अगर लड़के हैं तो ठीक है, थोड़ा सा कम में भी चल जाता है क्वेश्चन पेपर, सेकेंड इम्पोर्टेंट थिंग था। तो जिन्होंने जितना कर पाए हैं बहुत, अगर जिन्होंने पूरा कर लिया है उनके लिए बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है। और फिर ट्रिक्स टू सॉल्व क्वेश्चन पेपर, इसका मैंने वीडियो डाला था, वो भी आप जरूर सर्च कीजिए या इस डिस्क्रिप्शन में है उसका वीडियो लिंक, आप वो भी देख लीजिए एक बार। अगर आपने ये तीन चीजें की हैं तो श्योरली जो है आपने जो भी अपना स्केल रखा होगा, ठीक है, जैसे जनरल कैटेगरी का है तो आपको 120 प्लस करने ही होंगे, ठीक है, स्कोर, ताकि आप 60% से ऊपर रहें, क्योंकि क्वालिफिकेशन जो कट ऑफ रहा है अभी तक वो 57-58 या 59% ऐसे रहा है, तो वो स्कोर आपको जरूर क्रॉस करना होगा, 3-4% आपके ज्यादा ही है, तभी आपको बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे, क्योंकि इसका रिजल्ट जो है काफी लेट में आता है, 5-6 महीने 3-4 महीने लग जाते हैं, तो आप कॉन्फिडेंट रहेंगे कि आपको होने वाला है, ठीक है। बस यही था हमारा दो तीन चीजें, जो कम से कम एग्जाम के 2-3 दिन पहले आप ये सारी चीजें खत्म कर ले, नहीं किया हो तो एग्जाम के होने के एक दिन पहले के पहले आप ये सारी चीजें खत्म कर लें और एग्जाम के एक दिन पहले आराम से सो जाए, ठीक है। तो बस अगर आपने इतनी सारी चीजें की है तो रिलैक्स रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, कोई भी जो है एग्जाम देने जाता है तो कभी भी इतना कॉन्फिडेंट नहीं रहता, वो चाहे मैं रहा हूँ या कोई भी कितना भी इसका रैंक आया हो, कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं रहता है किसी भी एग्जाम के लिए कि वो एग्जाम निकालने वाला है कि नहीं निकालने वाला है। आपने जैसा पीछे पढ़ा होगा श्योरली आपको अपने मेहनत पर विश्वास रखिए, तो श्योरली आपको हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें जो मैंने बताई, अगर आपने नहीं किया है, अभी भी आपके पास 2 दिन है, नई चीजें बिल्कुल मत पढ़िएगा आप, अगर आप पढ़ेंगे तो आपका दिमाग एग्जाम में उसी चीजों पे ही फोकस करेगा, इससे बाहर नहीं जा पाएगा। तो मैं विनय कुमार सिंह चलता हूँ, इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में भी आपका ऐसे ही वीडियो बना के हेल्प करता रहूंगा, पढ़ते रहिए, आप जरूर क्वालिफाई करेंगे, बेस्ट विशेस आपके लिए इस एग्जाम से, थैंक यू फॉर वॉचिंग।